आपकी जो सहेली है गौरा, वो चालों पे चालें चल रही है मोदी परिवार के खिलाफ, तो इस बार कौन सी नई चाल चल रही है? देखिए, हम कहते हैं ना कि चालबाज चाल चलने से बाज नहीं आते हैं, तो ये मेरे लिए कोई नवीन बात नहीं है कि गौरा चाल पर चाल खेले जा रही है। मेरे लिए सबसे अहम बात है मेरी पोतियों का, यानी विद्या और मीरा की सुरक्षितता। और कहीं ना कहीं अब मैं गौरा की दुष्टता को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, और वो बलि देना चाहती थी मूक पशु का, बकरी का, मैंने उसे रोक लिया था और उसे सबक सिखाया। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बुरी तरह से बिफर चुकी है, और अब वो जान लेने पर आमदा आन पड़ी हुई है, और मैं उसे किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने दूंगी। तो उसी सिलसिले में हम विसर्जन तक पहुंच गए हैं, चूंकि गौरा ने ये कह दिया है कि वो मैंने उसे बकरी की बलि नहीं चढ़ाने दी, तो अब वो विद्या और मीरा दोनों में से किसी की भी बलि देगी, और ये तो आप जानते ही हैं मेरे प्यारे दर्शक कि मैं कभी होने नहीं दूंगी। तो बस इसी सिलसिले मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, और ये अवश्य कहूँगी कलयुग है, अंतिम चरण पे है कलयुग, और गौरा जैसे दुष्ट लोग भी इस युग के प्रतिनिधित्व करते हैं, और कहीं ना कहीं अब बस पाप का घड़ा भर गया है, अब छोड़ूंगी नहीं गौरा को, माँ जगदम्बे की सौगंध, तो चांद से मार दूंगी उसको। ओके, तो फिर अभी मीरा और विद्या के बलि तो चढ़ने आप देंगी नहीं, क्योंकि आपकी प्यारी पोतियां हैं वो, तो इन सब के बीच में आपको संदूक में डाल के क्यों मारने की अब सोच रहे देखिए, हैं? हम कहते हैं ना कि जब दुष्ट होते हैं, जो नराधम होते हैं, और जो मानवता की दृष्टि से बहुत ही नीचे हद तक गिर चुके हैं, उनके लिए ईमान, धर्म, इंसानियत, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती, ये शब्द भी उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं गौरा ने गुंडों के द्वारा मुझे फिर से विश्वासघात मेरे साथ किया, धोखा किया है, और सर पे वार करके, पीठ के पीछे वार करके, मुझे बेहोश करके संदूक में डाल के पानी में डाल दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले के दो हाथ होते हैं, बचाने वाले के हजार हाथ होते हैं, कोकी का बाल भी बाका नहीं होगा, इतना अवश्य कहूँगी। मैम, लास्टली आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और ये धूप में शूट चल रहा है, संदूक में जाना वगैरह, कितनी परेशानी? मैं इसे परेशानी नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य कहती हूँ, क्योंकि ये दर्शकों का निस्वार्थ प्रेम है, पूरे स्टार प्लस प्रोडक्शन हाउस, हमारे साथी कलाकार, सबकी मेहनत है कि साथिया पिछले 6 सालों से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, और 6 साल में यदि एक कलाकार के रूप में मुझे इस तरह के प्यारे सीन्स करने मिलते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, ये मैं अवश्य कहूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर दर्शकों का प्यार है और सभी की दुआएं हैं मेरे साथ कि मेरी तबीयत अभी थोड़ी बेहतर मैं महसूस कर रही हूँ, और मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रार्थना में मैं थी, मेरी तबीयत अभी बेहतरी पर है, और मैं पूरी जी जान लगा के ये सीक्वेंस कर रही हूँ, चूँकि मुझे लगता है कि सौभाग्य है मेरा, कलाकार के नाते मुझे ये इतना सुनहरा मौका बार बार मिलता है परफॉर्म करने का, तो मैं इसे हाथ से छोड़ नहीं सकती। तो थकान नहीं है बल्कि खुशी है, दर्शकों का प्यार है, साथ है, तो मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, और आप सभी मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बिल्कुल हमेशा नवाजा है और सर आंखों पर बिठा कर रखा है, चाहे मेरी तबीयत ठीक न रही हो या जब भी मैंने कोई काम अच्छा किया है, तो आप लोगों ने हमेशा ये बात दर्शकों तक पहुंचाई है, तो मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ।